हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि समर का कलेक्शन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो एक्चुअली 3-4 महीने पुराना है। आप मेरे ड्रेसिंग सेंस से समझ ही गए होंगे, मैंने विंटर्स के कपड़े एंड सॉक्स वगैरह पहनी हुई है। सो थोड़ा सा लेट हो गई इस वीडियो को मैं शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे समर का कलेक्शन शेयर करना था आपके साथ, तो फिर मैं समर आने का वेट कर रही थी। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो गाइस आप सब? और ये मेरे कुछ फ्लिपकार्ट से पार्सल्स आए हैं जो कि अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये सारे के सारे नाइट वेयर्स हैं जो कि समर्स में पहनने वाले हैं। वैसे मुझे काफ़ी दिन से ये कलेक्शन मिल गई थी, रिसीव हो गई थी नाइट सूट्स की, बट मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया था कुछ भी, मैंने एक भी पैकेट ओपन करके नहीं देखा। आपको पता है कि कुछ भी सामान मैं लेती हूँ, चाहे छोटा हो, एक पार्सल हो या व्यूज कलेक्शन हो, वो सब मैं आप सबके साथ ही मतलब ओपन करती हूँ, शेयर करती हूँ आप सबके साथ। जो भी रिव्यू रहता है मैं आपको साथ ही साथ उसका रिव्यू बता देती हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके इनको अनपैक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप के हैं। मैं डेफिनेटली इनको अभी आपको वेयर करके दिखाऊंगी कि इनकी लुक कैसी आती है, कैसे लगते हैं। ये 5 पैकेट्स हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं और वन बाय वन मैं इनको ओपन करके अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे नाइट सूट्स हैं ये सारे। सबसे पहले मैं अपने बालों को पीछे कर लेती हूँ, नहीं तो ये बीच में आएंगे और मैं अच्छे से वीडियो भी बना नहीं पाऊंगी। एंड गाइस, इन सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, सबके लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर मुझे मिल गए तो। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सो जब किसी पैकेट में ऐसे फैब्रिक वगैरह हो ना, तो बहुत ही केयरफुली गाइस इसको ओपन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो पैकेट ओपन करने के चक्कर में हमारा जो है नुकसान हो जाए और हमारा ये अंदर का फैब्रिक ही कट जाए। बहुत ही सुंदर प्यारी सी पैकेजिंग में आया है ये, आप देख सकते हो। देखिए बहुत हैवी है, वाओ ये क्या चीज़ है, अरे वाह। 1, 2 एंड 3। ओके सो गाइस, ये एक रॉब है इसके ऊपर पहनने वाला जो कि यहाँ तक आएगा। 3 पीस मुझे इसमें से रिसीव हुए हैं। सो सबसे मतलब ऊपर जो पहनने वाला है वो है ये इस टाइप से ओपन है, आप देख सकते हो। और इसमें ऐसे आगे ड्रॉ स्ट्रिंग दे रखी है, आगे ऐसे बांधने के लिए, आगे टाई अप करने के लिए, और इसमें भी टेप लगी हुई है। सो इसका जो फैब्रिक है वो साटन में है, बहुत ही लाइट सा, मतलब बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका। इसके नेक में जो डिटेलिंग कर रखी है वो आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इस टाइप से लेस लगा के इसमें नेक में डिटेलिंग कर रखी है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये ऊपर का रॉब है जो पहनते हैं, रॉब नाइट वियर बोलेंगे हम इसे। सो ये कुछ इस टाइप से है एंड इसमें ये आगे बांधने के लिए है। सो सेकेंड जो है, जो हम इसके नीचे मतलब वेयर करेंगे, प्लाजो टाइप है, लोअर बोलेंगे या फिर इसको पजामा बोल सकते हैं। ये इस टाइप से बहुत ही प्यारी क्वालिटी है एंड इसमें भी आगे से ऐसे एक स्ट्रिंग दिया हुआ है बांधने के लिए। स्टाइलिश है वैसे ये, इसमें तो वैसे इलास्टिक है, आगे ये स्टाइल के लिए दे रखा है, स्टाइलिश लगता है थोड़ा सा वेयर किया हुआ। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है एंड मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। एंड इसके साथ ऊपर पहनने के लिए बहुत ही छोटू सा टॉप दिया हुआ है वो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली आई थिंक। और इसके साथ ये मतलब है बहुत सुंदर है ये, इसमें भी ना इस टाइप से आगे से आप देख सकते हो लेस वगैरह लगा के इसमें दिया हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लेस लगी हुई है इसमें। एंड इसका फैब्रिक ये पूरा मतलब साटन का फैब्रिक है, इसमें इस टाइप से ये स्ट्रैप्स दे रखी हैं, इस टाइप से ये स्ट्रैप्स दी हुई हैं इसमें। ये आप इसको लूज और टाइट भी यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा ये बकल दे रखा है, तो यहाँ से आप हाँ लेना है, रुको। सो इसका ये जो छोटू सा टॉप है बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा, जिसको मुझे नहीं लगता कि मैं वेयर करूंगी, हाँ इसके साथ मैं इस प्लाजो के साथ मैं कोई और टॉप पहन लूंगी या टी शर्ट वगैरह। तो इसमें ये स्ट्रैप दे रखी हैं जो कि लूज टाइट हो सकती हैं इस टाइप से, बहुत ही छोटा है ये नहीं मतलब मेरे हाथ हो जाएगा, इस टाइप से खुल जाता है ये आगे से। तो देखते हैं, कंफर्टेबल रही तो इसको वेयर करूंगी, अदरवाइज नो। तो इसके साथ मैं प्लाजो के साथ कोई भी अपनी टी शर्ट वगैरह टॉप वगैरह वेयर करूंगी और इसके ऊपर हम ये रॉब पहन सकते हैं। हाँ ये रॉब इसीलिए दिया है बिकॉज ये छोटा है इसका टॉप, काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो 5 आउट ऑफ 5 दूंगी मैं इसको, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो सेकंड पार्सल की तरफ चलते हैं हम, इसका टॉप थोड़ा सा और लॉन्ग होता तो अच्छा रहता, विदाउट स्लीव है तो वो तो चलेगा, विदाउट स्लीव तो मैं वेयर कर लेती हूँ, बट इतना छोटा है इसको मैं आई डोंट थिंक के वेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, इसकी पैकिंग भी बहुत ही अच्छी थी, सेम फैब्रिक है जो अभी मैंने आपको रॉब नाइटी का दिखाया, प्लाजो सेट है जो अभी दिखाया था ना, सेम फैब्रिक है, साटन का फैब्रिक है,
बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत लाइट वेट कपड़ा है इसका। और इसका जो लेंथ है ना काफी लॉन्ग है, आई थिंक हाई वेस्ट लोअर है ये। हाँ, हाई वेस्ट लोअर आजकल चल रहा है ना, हाई वेस्ट पजामा है ये। सो इसकी जो मतलब क्वालिटी है काफी अच्छी है। एंड ये है इसका ऊपर का टॉप जो कि छोटू सी इसमें स्लीव दे रखी है, बहुत ही प्यारी सी छोटी छोटी स्लीव्स हैं। कॉलर है इसमें, कॉलर दे रखा है। एंड आगे इस टाइप से बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से बटन लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसका फैब्रिक इतना शाइन मार रहा है, साटिन में है ना इसीलिए बहुत शाइन मार रहा है इसका फैब्रिक, बहुत ही प्यारा शाइनी फैब्रिक है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी मैं इसको पहनने में। एंड अगर गाइज थोड़ा बहुत टाइट भी रहेगा ना तो ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है थोड़ा सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको तो मैं पहन के वीडियो वगैरह में आप देख ही लोगे, और इसको अभी मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी आपको तो कि कैसी लुक आती है इसकी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो नेक्स्ट जो पार्सल है वो है, ये मैंने ना येलो में ऑर्डर किया था बट ये मुझे ब्लैक में मिला, तो मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। मुझे ये मैंने मस्टर्ड येलो कलर में मैंने इसको ऑर्डर किया था बट ये मुझे ब्लैक में मिला है। आई डोंट नो कि उन्होंने ये मुझे ब्लैक में क्यों सेंड किया। फिर भी मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देती हूँ, रिव्यू दे देती हूँ कि ये कैसा है। तो ये है इसकी टी शर्ट ऊपर की, और इसका फैब्रिक फर्स्ट क्लास फैब्रिक है, फर्स्ट क्लास, तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही मतलब इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, और हौजरी में है ये। एंड इसकी स्लीव भी काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है। एंड इसका राउंड नेक है जिसमें वाइट पाइपिंग दे रखी है, ये डिज़ाइन काफ़ी खिल रहा है इसके ऊपर ब्लैक के साथ वाइट पाइपिंग जो कि इसकी स्लीव्स में है एंड इसके नेक में है। और बाकी नीचे से ये प्लेन है और काफ़ी खुला सा लग रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, नाइट वेयर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं थोड़े लूज लूज से। तो इसका फैब्रिक की बात करूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं इसको रिसीव करके ज़्यादा खुश तब होती अगर मुझे ये येलो में ही रिसीव होता। मैंने इसको वैसे येलो में ऑर्डर किया था बट मुझे नहीं पता ये ब्लैक में क्यों आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। ब्लैक कपड़े मेरे पास ना बहुत है, येलो मुझे मेरा फेवरेट है तो येलो में मैं चाहती थी। एंड इसके साथ जो शॉर्ट रिसीव हुई है वो कुछ इस टाइप से है, और ये ना मुझे काफ़ी बहुत बड़े लग रहे हैं। एक्सेल साइज मैंने ऑर्डर किया था, मुझे लग रहा है इसको मुझे एल साइज ऑर्डर करना चाहिए था बट मैंने डबल एक्सेल है ये शायद गलती से सेंड कर दिया उन्होंने, बट बहुत ज़्यादा लूज होगा ये मुझे बहुत। देखती हूँ अगर रिटर्न हो गया तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत नाइस क्वालिटी है। एंड इसमें भी इस टाइप से वाइट पाइपिंग से ये डिज़ाइन दे रखा है इसमें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ये थोड़ा सा ना इसका जो बॉटम है साइड से आप देख सकते हो राउंड में है, ये हल्का सा कट देके इसको राउंड शेप दे रखी है शॉर्ट का ये जो बॉटम है इसमें। और आगे इसमें ये आगे नॉट लगाने के लिए, टाई अप करने के लिए स्ट्रिंग दी हुई है इसमें, तो ठीक है। ऑल ओवर इसका रिव्यू दूँ तो काफ़ी अच्छा है ये, 5 out of 5 तो मैं इसकी क्वालिटी को दूंगी। हाँ, जिन लोगों को ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, ब्लैक पसंद है तो उसके हिसाब से ठीक है, बट हाँ कलर की अगर मैं अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ, अपना पर्सनल मतलब रिव्यू दूँ तो मुझे ये येलो में रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। येलो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे फेवरेट कलर है। ब्लैक मैंने ना एक्चुअली बहुत पहन रखा है, ये ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है ऐसी बात नहीं है, बट ब्लैक मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ इसलिए मुझे ये येलो में चाहिए था जो कि मुझे ब्लैक में रिसीव हुआ है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पार्सल ओपन कर लेते हैं। ये है एलन वुमेन नाइटी, आप देख सकते हो इसका लुक मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। इसका लुक कुछ इस टाइप का आएगा, ये देखिए। क्या लेना है बच्चे, क्या लेना है? क्या नो पापा का है वो, पिट्टी करेंगे पापा। सो गाइस इसको ओपन करके मैं दिखा देती हूँ आपको। नाइटी है ये, पिंक कलर में आई है ये देखिए, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। नाइट वेयर्स जो होते हैं ना साटन के फैब्रिक में बहुत खूबसूरत मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, लाइट होते हैं, और इनमें निन्नी बहुत अच्छी आती है। दक्षु नहीं, पापा मारेंगे आके आपको। और ये देखो, अच्छा ये ले लो, वो आंटी की पिक्चर दे रही वो ले लो, इसमें जो फोटो थी ना नाइटी की वो ले रही। वो देखो नीचे नीचे देखो नीचे, दक्षु ये कौन है? आंटी, ये आंटी है, चलो आंटी के साथ खेल लो। सो गाइस ये बहुत ही प्यारी सी नाइटी है पिंक कलर की, बहुत क्यूट है, बहुत ही ज्यादा क्यूट सा ये ड्रेस रिसीव हुआ है मुझे, बहुत प्यारी है। एंड ये ना हमारी नी से बहुत थोड़ा सा नीचे आएगी मुझे ये देखिए, और मैं इसको पहन के काफ़ी हैप्पी हो जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये विदाउट स्लीव है, ऊपर से इस टाइप से है, इसमें ये जो स्ट्रैप दे रखी है आप देख सकते हो डबल स्ट्रैप है इसमें, ये देखिए डबल डबल स्ट्रैप्स दी हुई हैं, काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और आगे इस टाइप से छोटी सी प्यारी सी बो बना रखी है, बहुत ही क्यूट सी बो आप देख सकते हो, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, बहुत खूबसूरत है। और ये मुझे लूज ना हो बस,
इसका थोड़ा सा डर है, वैसे ठीक ही होगी। और ये मुझे मेरे यहाँ नी से थोड़ा सा नीचे आने वाली है, तो इसको भी मैं अभी आपको वेयर करके दिखाऊंगी कैसा लुक आता है इसका। और इसका फैब्रिक की बात करूँ तो आप देख सकते हो कितना छोटा सा होके हमारी मुट्ठी में आ गया है, ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। और ये देखो इसका फैब्रिक भी कितना शाइन कर रहा है, बिकॉज ये भी साटन में है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी तक जितने भी ड्रेसेस मैंने अभी ओपन किए सारे पार्सल, सबके फैब्रिक की क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इन सबके लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको बाय करना है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो, बाय कर सकते हो मेरे लिंक के थ्रू। इसकी तरफ ना ध्यान देना पड़ता है मुझे कि ये कुछ और कारनामे ना कर दें, कहीं मैं वीडियो के चक्कर में लगी रहूं और ये कुछ और ही कर दें यहाँ पे। ये ऊपर का रॉब है जो कि रॉब हम पहनते हैं, एंड ये नाइटी है जिसको अभी मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर सी लॉन्ग नाइटी आई है मेरे पास, जो कि ऊपर से विदाउट स्लीव है और ये कुछ इस टाइप से होगी, और ये फुल लेंथ लॉन्ग नाइटी है। अभी मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी इसको, ठीक है ना। और इसके दक्षो और इसके जो स्ट्रैप दे रखे हैं आप, तो गाइस दक्षो के चक्कर में भी ना मुझे बीच बीच में वीडियो छोड़ के इसको देखना पड़ता है, इतना पता है कि हेलमेट को कहाँ लगाते हैं, देख लो। और ये ऐसा बच्चा है जिसके पापा ने कभी आज तक हेलमेट नहीं लगाया, जो कि टर्बन बांधते हैं, और ये हमारे घर में एक न्यू हेलमेट है, इसके पापा ने ला के रखा हुआ है। और इस बच्चे को देख लो, लोगों को देखता है सिर्फ ये बाइक पे जाता हुआ कि सबने हेड पे हेलमेट पहन रखा है, और इसकी हरकतें देख लो आप, सब जानता है ये कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। दक्षु अपनी शक्ल दिखाओ, इसको मत निकालना पापा मारेंगे, इसको मत निकालना। हाय बोलो सबको, हाय है मेथ, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा इसका ये वाला कलर कौन सा है? ब्लैक। और ये कलर कौन सा है? व्हाइट। गुड बॉय। और ये कलर कौन सा है? ये मम्मा के हाथ में है, ये कलर कौन सा है? ये देखो ये कौन सा कलर है? रेड। सो गाइस लास्ट जो नाइटी है उसका मैं फटाफट से आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से आएगा ये ऐसे, और ये पूरा लॉन्ग लेंथ है इसकी। और इसकी जो फ्रंट से डिजाइन दिखा देती हूँ मैं आपको, सो इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, फ्रिल का इसमें डिज़ाइन दे रखा है पूरा, यहाँ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये देखिए मतलब आर्मोल है ना, ये हमारी जो आर्मोल होती है, यहाँ तक इसमें पूरा फ्रिल का डिज़ाइन इस टाइप से आएगा, ये इस टाइप से दे रखा है। और इसमें जो छोटी छोटी सी बकल्स दे रखे हैं ये आप देख सकते हो, ये हमें लूज़ टाइट करने के लिए है, अगर आपको नाइटी नीचे गिर रही है, लूज़ लग रही है, तो आप इसको टाइट करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर अपना फिटिंग कर सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और बैक साइड से ये कुछ इस टाइप की है, बैक साइड में इसमें ये इलास्टिक दे रखी है, जो कि आप मतलब इसको वेयर करोगे तो अच्छे से आपको ये फिट हो जाएगी, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही है ये मुझे। और ये थोड़ा सा ना लाइट फैब्रिक है इसका, बट काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर आप इस रॉब को पहनोगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। इसके ऊपर का जो रॉब है वो है कुछ इस टाइप का, जिसमें आगे टेप लगा के इसको अटैच कर रखा है ताकि ये खुले ना, पैकिंग के लिए इन्होंने टेप लगाई होगी इसमें। सो ये ऐसे है, ये ऐसे ओपन हो जाता है, इसमें छोटी छोटी सी स्लीव्स दे रखी हैं आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी केप स्लीव हैं ये। और इसका जो नेक है उसकी भी डिटेलिंग आप देख सकते हो, फ्रिल एंड लेस से इसको आगे से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन दे रखा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और इसमें आगे से नॉट लगाने के लिए, टाई करने के लिए इस टाइप से बेल्ट दी हुई है, बहुत ही प्यारी सी बेल्ट है ये, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ। तो ये वाला जो आपको मैंने प्लाजो का ये सेट दिखाया था ना अभी, प्लाजो और इसके साथ ये अंदर शॉर्ट टॉप है, और ये इसके ऊपर रॉब है पहनने वाला, जिसको मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने फिर नीचे ना अपना ये एक टॉप पहन दिया फुल स्लीव का, जिसके साथ मुझे लगा कि आपको लुक इसकी अच्छी आएगी मतलब देखने में। तो ये है इसका प्लाजो, आप देख सकते हो इसका लुक, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा लुक आता है इसका। और ये है ऊपर रॉब जो कि इस टाइप से है, और ये मैंने इसको पहन के इसीलिए दिखाया है ताकि इसको इसका मतलब इस ड्रेस की लुक का आपको आइडिया हो जाए, और इसलिए मैंने फिर इसको अपने ब्लैक टॉप के ऊपर से पहना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला जो टॉप इसका शॉर्ट टॉप दिया हुआ है आपको यही वेयर करना है, आप प्लाजो काफ़ी अच्छा है इसका, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर प्लाजो है, तो इसके साथ आप कोई भी अपनी टी शर्ट या टॉप वेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये सेट में मिल रहा है तो आपको ये वेयर करना ही करना है। और इसमें ये इस टाइप से स्ट्रैप दे रखी है, टॉप का स्ट्रैप है ये, इसको आप लूज टाइट कर सकते हो। और इसके ऊपर ये रॉब है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको पहनकर, और इसका ये जो डिज़ाइन है लेस का डिज़ाइन मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, तो आप इसको इस टाइप से वेयर कर सकते हो। एंड पीछे से ये पूरा ऐसे कवर्ड मिलेगा आपको इस टाइप से, अच्छा लग रहा है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, फैब्रिक बहुत अच्छा। और ये जो प्लाजो है ये आपकी
किसी भी कुर्ती के साथ भी चल जाएगा। तो एज अ सूट भी आप इस प्लाजो को मतलब वेयर कर सकते हो किसी भी कुर्ती के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये बेल्ट आगे बांधने के लिए दे रखी है, ये बहुत अच्छी है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर बंदा इसमें घर का काम कर सकता है, काफ़ी अच्छा है। और सो भी से हो गाइस, ये तो बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी वन पीस ड्रेस की तरह हो गई। ये नाइटी है वैसे तो, बट अगर एज अ वन पीस ड्रेस देखें तो हम ये काफ़ी खूबसूरत है। और नी लेंथ सॉरी नी से भी काफ़ी मतलब यहाँ तक है, इसको इजीली घर में आराम से वेयर कर सकते हैं दिन में भी। और मैं अभी ऊपर से इसको पहन लिया बिकॉज मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इस ड्रेस को एक्सपोज करने में आपके साथ, तो इसलिए मैंने तो ये अपना स्किन टच मेरा जो टॉप है इसको पहन लिया मैंने। और ये मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। और पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा है, अगर हम इस टॉप के विदाउट टॉप पहने तो इसका लुक आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। तो इस टाइप का लुक है इसका। हो ये जो नाइटी अभी मैंने दिखाई थी आपको, ये भी एक रॉब नाइटी है। और इसको हम आगे से इस तरह आगे से टाई करके इसको हम इस टाइप से लुक दे सकते हैं। एंड इसको टाई करने के लिए एक अलग से इस साइड बेल्ट दे रखी है, तो मैं इस साइड ढूंढ रही थी, मुझे लगा कि ये शायद पीछे बांधने के लिए फिटिंग के लिए होगी, बट इसको हम और अच्छा स्टाइल देने के लिए हम इसको यहाँ पे इसको टाई कर सकते हैं इस टाइप से। सो अंदर वाली जो बेल्ट है वो तो अंदर छिप जाएगी, और हमें इसको यहीं पे टाई करना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी, बिकॉज अगर हम यहाँ टाई नहीं करेंगे यहाँ टाई करेंगे तो इधर वाला जो बेल्ट है वो ऐसे ही लटकता रहेगा, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है बिकॉज इधर नहीं है। अगर इधर भी होता तो हम इसको पीछे बांध लेते, पीछे टाई कर सकते थे, तो अगर यहाँ पे भी दे रखा होता ना तो वो सही रहता। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि हम इसको साइड में नॉट लगा के इस तरह टाई करके इसको ये वाला लुक दे सकते हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो ये अंदर का बेल्ट है वो चला गया अंदर, तो वो अब ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा बिकॉज अब थोड़ी सी फिटिंग भी अच्छी आ गई है, और ये काफ़ी सही लग रहा है। और पीछे से भी इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आ गई है, आप देख सकते हो। सो काफ़ी अच्छी नाइटी है ये, काफ़ी लॉन्ग है, और इसका जो मतलब फैब्रिक है काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल है, बहुत ही सुंदर है, इस टाइप से है। एंड अंदर का जो ये वाला है इसके ये जो बेल्ट दे रखी हैं, ये भी इसमें भी छोटे छोटे बकल्स दिए हुए हैं जो कि आप इसको फिटिंग के लिए लूज टाइट कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप से है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी नेक की जो डिटेलिंग है आप देख सकते हो, पूरे में फ्रिल लगी हुई है, अंदर भी ये पूरा फ्रिल है यहाँ तक, और लेस के साथ इसको बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया है जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर रहा है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और गाइस मैंने ये सॉक्स पहनी हुई है, हल्की हल्का सा ना ठंड है, फर्श ठंडा लग रहा है, तो फिर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था इसके बिना, तो मैंने ये पहन के रखी हुई है सॉक्स, तो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना। करके इसको अनबॉक्स करके दिखाया तो मुझे लगा ये काफ़ी लूज होगा और बड़ा होगा, डबल एक्सेल इस पर लिखा हुआ है, बट इसको वेयर करने के बाद ये मतलब लूज तो है बट इतना नहीं है कि मतलब बेकार लगे, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लूज चलता है। और इसको हम जीन्स वगैरह के साथ भी इस टॉप को वेयर कर सकते हैं, तो मुझे लगा था कि मुझे इसको रिटर्न करना चाहिए बिकॉज ये कलर चेंज होने के साथ साथ ये मुझे काफ़ी बड़ा और लूज लग रहा था, बट इतना लूज है ये कि मतलब इतना ऑकवर्ड नहीं लगेगा, काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, इतना लूज है कि अच्छा लगेगा। आजकल इतने लूज लूज टी शर्ट तो चलते हैं, अच्छे लगते हैं, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस कलर येलो होता तो ज़्यादा अच्छा था, बट चलो कोई बात नहीं, इसको मैं रिटर्न नहीं करूँगी, येलो कलर कभी और ऑर्डर कर लेंगे फिर दोबारा से, अभी मैं इसको रख लूँगी। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ये शॉर्ट है जो मैंने वेयर की है, आप देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप से इसका डिज़ाइन है साइड में। घर में मैं शॉर्ट्स वगैरह टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह पहन लेती हूँ गर्मियों में, बट देखो दक्षु की कितनी आवाज़ें आ रही हैं, बट क्या है ना कि ऑन कैमरा मैंने टी शर्ट और ये शॉर्ट्स, टी शर्ट तो चलता है, शॉर्ट नहीं मतलब मैंने कभी ऑन कैमरा वेयर की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ इसको दिखाने में फुल लुक आपको। तो अभी आप देख सकते हो इसका साइड का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको मेरी ये नाइट ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, चेहरे पर स्माइल रखो ऑलवेज। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, और इस ड्रेस के साथ ना पोनी का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाय बाय।